हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का आपको सिलेबस भी मिल चुका है। मंडे से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपनी तैयारी आप करते रहेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको मिला था क्वेश्चन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये थ्री डिजिट में आपको मिला है, 175 को आपने मल्टीप्लाई करना था आपने 4 से। तो देखिए, चलिए 4 5 से कितना होता है आपका 20। जो वंस होता है वो यहाँ पर आता है आपका आंसर में, जो टेंस होता है वो आगे आपका टेंस में क्या जुड़ जाती है, कैरी। देन फिर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 से कितना हुआ आपके पास 28। और ये जो दो कैरी थी इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 28 प्लस 2 कितना हुआ 29 एंड 30। फिर आपका ऐसे करना है, वंस आपका आंसर में आ जाएगा और 3 आगे आपका 100 में कैरी जुड़ जाएगा। 4 वंजा 4 एंड 4 में हम 3 को ऐड कर लेंगे। तो 4 तो आपको पता है 4, ठीक है। इसके आगे हम 3 स्टिक ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप फिंगर्स में काउंट कर लीजिए, 5 6 एंड 7। ये जो 3 कैरी है वो हमने क्या कर ली, इसमें ऐड कर ली। तो कितना है आपके पास यहाँ पर 7। तो आंसर कितना है आपका, 175 को 4 से डिवाइड करने में आपका आंसर कितना है आपका 700। सेकंड क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई का आपका, 428 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2 को पहले 8 से कर लेते हैं, 2 8 जा आपका 16, 6 आपका कैरी यहाँ पर आ गया, 6 आपका आंसर में, 6 वंस यहाँ पर आंसर में, और जो आपका 1 है ये आ गया आपका टेंस में, कैरी लग गया। देन 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 1 जो आपका कैरी है कितना है आपका 5। अब 2 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा आपका 8। तो आंसर कितना है आपका 856। नेक्स्ट आपको मिला था डिवीजन का क्वेश्चन, भाग करना, डिवाइड करना। पहला हम देख लेते हैं, 884 को आपने किससे डिवाइड करना था, 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको 884 को। तो यहाँ देखिए, पहले हम 1 1 डिजिट में डिवाइड करते चलते हैं। पहले हम 8 ले लेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 से आपका 9 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा है डिजिट 9, 8 से माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम 3 2 जा ही करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में। देन 8 से 6 हम माइनस करेंगे, तो कितना है आपका, 8 में से 6 आपका माइनस हुआ, कितना है आपका 2। ऊपर आपका है दूसरा डिजिट, हम क्योंकि अगर हम 3 1 जा 3 करते हैं तो 2 क्या है, छोटा है 3 से, इसलिए हम 8 डिजिट को यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर देंगे, ताकि हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब आपका क्या हो गया 28, 3 9 जा 27, अगर 3 10 जा तो होगा नहीं क्योंकि 30 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। अब 8 में से 7 को माइनस किया तो कितना है आपका यहाँ पे 1 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी हमने माइनस किया तो कितना क्या हुआ आपका यहाँ पे क्रॉस, यानी कि आप 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट आपका क्या बचा है, 1 अभी छोटा है, 3 1 जा 3 अगर हम करेंगे तो छोटा नंबर है 1, तो इसको बड़ा करने के लिए हम जो यहाँ पे दूसरी डिजिट है लास्ट आपकी 4, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब आपका नंबर बड़ा हो गया, यानी कि 14 बन गया। अब टेबल हम पढ़ें, रीड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 14 से ज़्यादा है तो हम 3 4 जा करेंगे, 3 4 जा 12। अब माइनस हम कर लेते हैं, 4 से 2 हमने माइनस करा तो कितना है आपके पास 2, 1 से 1 हमने माइनस करा तो आपके पास यानी कि 0, आप क्रॉस भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, क्वोशेंट आपने बताना था, क्वोशेंट आपका क्या होता है, जो आपका डिवाइड करके आता है आंसर। तो क्वोशेंट हमारा क्या है यहाँ पे 294। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया है, तो रिमाइंडर कितना आपका 2। तो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं क्यू से एब्रिविएशन यूज़ करके, और रिमाइंडर फॉर आर, आर हमने यूज़ कर लिया फॉर रिमाइंडर, तो कि रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिवीजन का था, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 108 को आपने डिवाइड करना है 9 से, तो वन डिजिट में पहले हम चेक कर लेते हैं, 9 × 9 अगर हम करते हैं तो 1 में से 9 आपका माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 10 में अपना टेबल रीड करेंगे। 9 × 9, 9 × 2 = 18, तो 18 ज़्यादा हो रहा है तो हम 9 × 9 करेंगे, 9 × 9। 10 में से 9 को हमने माइनस करा तो आपका कितना है यहाँ पे 1। अगर 9 × 9 फिर दोबारा अगर हम करते हैं तो 1 क्या है, छोटा है 9 से, इसलिए इसको बड़ा करने के लिए हम 8 भी नोट डाउन करेंगे, तो अब आपका क्या बन गया नंबर 18। अब 18 में हम अब क्या करेंगे, टेबल रीड करेंगे, 9 × 9 एंड 9 × 2 = 18, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 9 × 2 = 18। माइनस करते हैं, 8 में से 8 गया आपका 0, यहाँ पे हमने क्रॉस कर लेते हैं, 1 में से 1 आपका माइनस करेंगे तो आपका 0 यानी कि क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे 12, और रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया आपका, तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए आप एग्ज़ाम के लिए क्लास। सो थैंक यू।